सरहद कैसी लाइव प्रस्तुत करता है ऑल इंडिया लेवल पर फाइव का नाम रोशन करी कुकिंग की दुनिया की छुपी प्रतिभा अर्चना सावंतसुखा से विशेष मुलाकात, जो अपने नेशनल लेवल के वेस्ट में टेस्ट चैलेंज के चलते बना चुकी है विशेष पहचान। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज की हमारी जो स्टोरी है वो इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है। मैं अमृत सचदेवा सरहद कैसी लाइव के सभी पार्टनर दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ उस शख्सियत से जिसने हौसले की उड़ान से ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। मैं बताना चाहता हूँ फाजिलका के प्रतिष्ठित सावंतसुखा परिवार की पुत्र वधु स्वर्गीय राजेंद्र सावंतसुखा जी की पुत्र वधु और गौतम सावंतसुखा की पत्नी अर्चना सावंतसुखा, जिन्होंने एक ऐसे कॉम्पिटिशन की शुरुआत की है जो ना केवल फाजिलका, ना केवल फाजिलका जिले राज्य बल्कि राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे देश में अपनी एक पहचान बना रहा है। वो कॉम्पिटिशन क्या है, आइए हम आपसे सीधी उन्हीं की मुलाकात। नमस्कार गौतम जी, नमस्कार अर्चना जी, मैं सरहद की सिलाई की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और सभी दर्शकों से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। सर ये बताइए, मैम आप बताइए कि ये जो आपने कंपटीशन शुरू किया है वो क्या है और आम महिलाओं के जीवन से वो कैसे जुड़ा हुआ है? हमारा कंपटीशन है वेस्ट में टेस्ट, जो आपको घर बैठे स्टार बनाता। कैसे हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाते हैं और कुछ ना कुछ बच जाता है, कभी कोई खाता नहीं है, कभी ज़्यादा भी बन जाता है। तो इससे हमारा एक ये भी होता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट क्यों जाए, क्योंकि खाने में हमारी रसोई में या एक औरत में अन्नपूर्णा का वास होता है, तो क्यों ना हम इसको क्रिएटिव ढंग से लें। क्यों हर चीज़ हम डस्टबिन में डाल दें? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। उसी को हमें एक नई क्रिएटिविटी की तरह से नई डिश बनानी है, उसको हमें यूज में लाना है। मेरी खुद की बेकिंग और कुकिंग क्लासेस चलती है, तो मेरे पास ये कई तरह के फ़ोन आए कि अब हम क्या करें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम बहुत ज़्यादा खरीद नहीं सकते, कई बार बच जाता है, उसको वेस्टेज भी नहीं कर सकते। मेरे पास कॉल आते रहे कि अब हम क्या करें, अब इसको नई चीज़ कैसे बनाएं। उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना कुछ इस तरीके से किया जाए, क्योंकि मैं एक अकेली सभी को नहीं बता सकती, हम सब जुड़ जाएं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि एक से एक सीखता जाए और वो खुद की मदद खुद करता जाए। ये कॉन्सेप्ट क्या है, वेस्ट में टेस्ट आपने कैसे ढूंढा, आपको इसका आइडिया कैसे है? मुझे आइडिया देने वाले भी मेरे स्टूडेंट्स ही है, रोजमर्रा की जिंदगी है। मैं खुद भी कुछ ना कुछ घर में बच जाता है तो किसी न किसी चीज से कुछ ना कुछ बना लेते, जैसे चावल बन गए तो उसको छोंक लिया, कई बार उसको इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन में भी कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि रोटियां बच जाती है तो उसको कट करके फ्राई कर देते। हर तरीके से नया शेप देने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि घर में जो भी है उसको बासी खाना समझ के ना खाए बल्कि एक नया क्यूजीन समझ के खाए और वो खुश हो जाए। जी बहुत अच्छा, जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि वेस्ट में टेस्ट क्या है। जी हाँ, नारी को अन्नपूर्णा कहा जाता है वो, और वो अन्न की बर्बादी बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। उसी की तर्ज पर इन्होंने एक ऐसे कॉम्पिटिशन को शेप किया है, फ्रेम किया है कि जिससे जो घर में बचा हुआ अनाज है, खाना है, उसको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सके। तो अब ये किस लेवल पर चल रहा है और किस प्लेटफॉर्म पर आप इसको ऑल इंडिया लेवल पर लेकर गए? देखिए, ये जो हमारा चैलेंज है वो ऑल इंडिया लेवल का है, जिसमें हमारा यूट्यूब चैनल है अर्चनास मैजिक स्पून। इसमें आपको अपनी रेसिपी डालने के लिए या सिखाने के लिए, मैं कह सकती हूँ, आपको 5 मिनट का वीडियो बनाना है, डालना है, जो कि अर्चनास मैजिक स्पून के यूट्यूब चैनल पे जाएगा, जिसके द्वारा सब लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जी दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि ये कंपटीशन क्या है, ये कंपटीशन है वेस्ट में टेस्ट, यानी कि वेस्ट में टेस्ट की तलाश, और इसके लिए इन्होंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनके द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार
वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो इस कंपटीशन की शुरुआत की है। इस कंपटीशन के जरिए 5 मिनट में, जैसा कि आपने सुना कि 5 मिनट में आपको अपनी रेसिपी, खासकर महिलाओं को अपनी रेसिपी, वो उसका वीडियो बनाकर अपलोड करना है। वो वीडियो में से बेस्ट वीडियो चुना जाएगा, उसी पर आधारित ये प्रतियोगिता है। जी हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा अर्चना जी कि इस प्रतियोगिता का मतलब कि लास्ट एंट्री कब तक ली जानी है और इसका रिजल्ट कब तक घोषित होगा? देखिए, इसकी एंट्रीज आ रही है, उसको देखते हुए अभी तक तो हमारा 30 तारीख है, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस रफ्तार से एंट्री आ रही है, हमको 4-5 दिन और बढ़ाना पड़ेगा। 30 मई लास्ट डेट है और हम इसको 5 जून तक लेके जाएंगे। जी, 5 जून तक आप एंट्री भेज सकते हैं। जो ये कॉम्पिटिशन है वेस्ट में टेस्ट, उसके लिए आप एंट्री भेज सकते हैं। तो अब तक आपको क्या रिस्पॉन्स मिल चुका है? अभी तक करीबन हमारे देश से 25 शहरों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनकी रेसिपीज आ चुकी है और मतलब सब लोग बेहतर और बेहतर अपनी रेसिपीज देते हैं। जिन जिन को पता चल रहा है वो खुद आगे आके बोल रहे हैं हमें आपको एंट्री देनी है। 25 शहरों से आपको 70 एंट्रीज आ चुकी है। जी, बहुत बढ़िया। इसके लिए मतलब कि कुछ ना कुछ प्राइजेस की घोषणा की गई होगी, और इसके आपके जो इस इतना बड़ा कॉम्पिटिशन आप करवाने जा रहे हैं, इसमें आपके सहयोगी कौन कौन बने हैं? जी, इसमें बिल्कुल वंडर शेफ जो कुकवेयर ब्रांड है और हमारे इंटरनेशनल नमकीन ब्रांड बीका जी हमसे जुड़े हुए हैं, और इंदौर की टॉप मोस्ट मैगजीन है द राइजिंग स्टेफ, वो हमसे जुड़ी हुई है। वंडर शेफ गिफ्ट दे रहा है सब विनर्स को, और बीका जी हर एंट्री को गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, साथ में उनके कैश प्राइजेस हैं, और राइजिंग स्टेप दे रहा है आपको अपनी प्रतिभा निखारने का हुनर। वो अपनी वेब पेज पर हर एंट्री की रेसिपी प्रिंट करेगा। इसके अलावा वो विनर्स को दे रहा है कवरेज, जिससे आप बन सकते हैं घर बैठे स्टार। यानी कि अकेला वेस्ट में टेस्ट नहीं तलाशा आपने, और भी बहुत सी उपहारों की बौछार कर दी है। जैसे कि आपने बताया कौन सी कंपनी थी, आपने बताया वंडर शेफ, जानी मानी कंपनी है जी देश की। वंडर शेफ कुकवेयर की तरफ से कैश प्राइजेस दिए जा रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं, उसी तरह बीका जी की तरफ से जो देश की नहीं तो इंटरनेशनल एक ब्रांड बन चुका है नमकीन के मामले में, स्वीट्स के मामले में, उनकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं और कैश प्राइज भी है। जी हाँ, कैश प्राइज भी आपको आप जीत सकते हैं, महिलाएं जीत सकती हैं। यानी कि आम के आम, गुठलियों के दाल। तो मैम, ये बताइए कि इतना बड़ा आपने जो हौसला किया है, एक पूरे इंडिया लेवल पर ये कॉम्पिटिशन आप करवा रहे हैं, तो इसमें आपको सहयोग तो इंटरनेशनल ब्रांड का मिल गया, अपने लोकल ब्रांड में बात करें तो गौतम जी का सहयोग कहाँ तक है? ये इन्हीं का सहयोग है कि मैं यहाँ तक हूँ, क्योंकि अक्सर हम सुनते आए हैं कि आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है। एक महिला के पीछे भी उनका सपोर्टिव होता है, एज अ हस्बैंड वो हमेशा एज अ फ्रेंड मेरे साथ रहे हैं, और इसमें मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बच्चे भी सहयोगी है, क्योंकि जब भी मैं कुछ करती हूँ हर कोई अपने तरीके से एफर्ट लगाता है। हाँ जी, गौतम जी आपकी तारीफ बहुत होगी, आप भी कुछ मैम की तारीफ कीजिए, भी पता चले कि इस कॉम्पिटिशन को पीक पर ले जाने में क्या क्या आपका मतलब कि उसमें योगदान रहा, और आपने किस हद तक जाकर इस कॉम्पिटिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया? देखिए जी, मेहनत इसकी है, पूरे दिल जान से मेहनत करती है, मैं तो बस पीछे से सपोर्ट जो है, जो हो सकता है वो मैं कर देता हूँ। जी, ये थे गौतम सावंत सुखा जी और मैम अर्चना सावंत सुखा, इन्होंने बताया कि एक छोटे से शहर में रहकर भी आप इंडिया लेवल का कॉम्पिटिशन कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और किस तरह से उसको सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये एक उदाहरण है घर में बैठे। हाँ, बात चल रही थी, ये तो चलो कॉम्पिटिशन की बात होगी, आप कुकिंग क्लासेस की बात कर रहे थे, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा बीकानेर में बेकिंग और कुकिंग की प्रोफेशनल क्लासेस चलती है, जिसमें लेडीज मेरे पास आती हैं, सीखती हैं, और इवन 4 ही दिन में मैं उनको इस काबिल बना देती हूँ कि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम क्या है, जितनी भी लेडीज मेरे पास आती हैं, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम रहती है कि अब हम घर में अकेले हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, हम क्या करें, अब हम अर्निंग करना चाहते हैं,
हैं, चाहे बड़े शहरों से हो या छोटे शहरों से, पर अर्निंग उनको चाहिए होती है। तो मैं उनको उस लाइक बना देती हूँ कि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं और अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाते हैं। मेरा ये वेस्ट में टेस्ट करने का भी यही मकसद था कि जो लोग घर बैठे इतने हुनर बैठे हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आजकल सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपने हुनर को निखार सके और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और इस सारे जो कॉम्पिटिशन में लॉकडाउन की क्या मतलब कि आप अहमियत मानते हैं, क्या योगदान मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण भी लोग फ्री हैं और इस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं? मैं तो सारा श्रेय लॉकडाउन को देती हूँ, क्योंकि शायद लॉकडाउन नहीं होता तो घर में सब इतना अच्छा अच्छा खाना खाने वाले भी नहीं होते और शायद लेडीज इतनी इंस्पायर भी नहीं होती कि वो किसी के लिए इतना अच्छा खाना बनाए। जी धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे मैम अर्चना सावंत सुखा, गौतम सावंत सुखा जी, जिन्होंने कॉम्पिटिशन चलाया है। उसका जो भी जानकारी है वो आपको हमारे लिंक में मिल जाएगी, आप इनसे जुड़िए, इस कॉम्पिटिशन जुड़िए और हजारों रुपए के जो पुरस्कार भी जीत सकते हैं और वेस्ट में टेस्ट भी तलाश कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आप भी जुड़े वेस्ट में टेस्ट चैलेंज से और हमारी ये मुलाकात कैसी लगी हमें लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं।